दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 49 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके सामुदायिक फैलाव का एक भी केस सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में 17 से 82 साल आयु तक के लोग शामिल हैं। इनमें 24 पुरुष और 15 महिला मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 28 मार्च तक 13,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन फेज भी पूरा कर चुके हैं। इनमें ना तो सर्दी के लक्षण मिले हैं और ना कोरोना संक्रमण के, फिर भी इन्हें लॉकडाउन तक घरों में रहने की सलाह दी गई है ताकि फिर से ये संक्रमित ना हो सके। 60 वर्ष से ऊपर के 8 संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। इनमें एक विदेशी है। कोरोना वायरस को लेकर सामुदायिक फैलाव पर चिंता जताई जा रही है, लेकिन दिल्ली में अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। विदेश से आने वालों से 13 लोग संक्रमित हुए हैं जो उनके परिजन या करीबी हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज युवा हैं। इनकी आयु 20 से 39 वर्ष के बीच है। इनमें से अधिकतर विदेश यात्रा से लौट कर आए हैं, कोई ईरान तो कोई फ्रांस से आया है। 49 में से इन 23 मरीजों में 15 छात्र हैं जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। मयूर विहार, उत्तम नगर, त्रिनगर, जनकपुरी, साकेत, दिलशाद गार्डन, शिवाजी एनक्लेव, डीयू, अशोक विहार, गौतमपुरी, जहांगीरपुरी, सर्वोदय एनक्लेव, आनंद विहार, बाहुबली एनक्लेव, करकरडूमा, राणा प्रताप बाग, घिटौरनी, सैनिक फॉर्म, जामिया नगर, हरिनगर, सुखदेव विहार, निजामुद्दीन वेस्ट, कल्याणपुरी, टोडरमल चौराहा और वसंत कुंज, राजस्थान, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू, करगिल, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु व यमन निवासी भी दिल्ली में संक्रमित मिले। इनमें से यमन निवासी की मौत हो चुकी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी बताती है कि इस वक्त दिल्ली काफी सुरक्षित है। दिलशाद गार्डन की महिला से संपर्क में आने से मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर और फिर उससे पत्नी वो बेटी के संक्रमण के अलावा अन्य कोई बड़ा मामला देखने को नहीं मिला है। दिलशाद गार्डन को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक भिक्षु की मौत के बाद मजनू का टीला स्थित शरणार्थी शिविर को भी पूरी तरह से होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल दिल्ली अन्य राज्यों की तुलना में काफी सुरक्षित है। दिल्ली में करीब 35,000 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा करके लौटे थे, जिन्हें लगातार क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। कोमल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।